हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रमोद कुमार एनसीईआरटी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आपको आज मैं कक्षा 12 की पोइट्री का दूसरा पाठ द ट्रिब्यूटी का आज मैं अनुवाद आप लोगों को समझाऊंगा। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिपीट करके एक दो बार 3 बार देखने का प्रयास करेगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये अवश्य ही आ जाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। द ट्रिविटी, सच्ची सुंदरता। पोइट का नाम है थॉमस कैरियो। इनका जन्म 1598 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1639 ईस्वी में हुई थी। पोएम के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोएम, द पोएट कवि प्रीफर्स पसंद करता है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ब्यूटी माने सौंदर्य टू फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा। कवि शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा आध्यात्मिक सौंदर्य को पसंद करता है। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। कवि शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा आध्यात्मिक सौंदर्य को पसंद करता है। ही सेज, वो कहता है दैट की फिजिकल चार्म्स शारीरिक आकर्षण डीके मने नष्ट होता है विद द पासिस ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ नष्ट होता है क्षय होता है। एंड और विद द डीके ऑफ दी चार्म्स, इन आकर्षणों के क्षय के साथ साथ विद द डीके ऑफ दी चार्म्स इन आकर्षणों के क्षय के साथ साथ द इंटेंसिटी उत्तेजना ऑफ लवर्स फीलिंग्स प्रेमी की भावनाओं की उत्तेजना आल्सो डिक्लाइंस वह भी पतित हो जाती है वह भी क्षय हो जाती है नष्ट हो जाती है। बट लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन आध्यात्मिक सौंदर्य कभी मरता नहीं है। द पोएट देयरफॉर, इसलिए कवि ग्लोरीफाइज प्रशंसा करता है द ब्यूटी में सौंदर्य। द पोएट देयर फोर, इसलिए कवि ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सॉल, इसलिए कवि आत्मा और मस्तिष्क की सुंदरता की प्रशंसा करता है। विच, जो विच इज ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता होती है। एंड और इग्नोर्स, और अनदेखा करता है उपेक्षा करता है फिजिकल चार्म्स और शारीरिक आकर्षण को अनदेखा कर देता है। इफ, यदि इट इज डिवाइड, यदि यह शून्य होता है आप वर्च्यूज, यदि यह गुणों से शून्य होता है। कद अब आगे इसमें बेटा दो स्टेंजा हैं। कभी इन स्टेंजा के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है कि किस प्रकार से प्रेमी युगल को रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। चलते हैं, लेट स्टार्ट। पहला पर आप यहाँ से लेकर ही से लेकर के अभी तक है, दूसरा है बट आसमो से लेकर के और आज तक है बेटा। देखते हैं, ही मने वाह दैट मैन, जो लफ्स प्रेम करता है आरोजी चीक, एक गुलाबी गालों को। कवि के अनुसार ही दैट लव्स आरोजी चीक, एक प्रेमी एक प्रेम का के एक गुलाबी गालों की गुलाबी गालों को प्रेम करता है। एक प्रेमी कवि के अनुसार एक प्रेमी एक प्रेम का के गुलाबी गालों को प्रेम करता है। आर या आ कोरल लिप एडमायर्स, या एक मूंगे जैसे ऊँटों की को एक मूंगे जैसे ऊँटों को या ऊँटों की प्रशंसा करता रहता है। और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या तारे जैसी आँखों को दूध से खोजता रहता है। फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल ने ईंधन टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिट फायर्स अपने प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। आइज जैसे जैसे ओल्ड टाइम, जैसे जैसे बुढ़ापे का समय मेक्स दीज डिके इनको क्षय कर देता है, जैसे जैसे बुढ़ापे का समय
स्त्रियों के सौंदर्य को नष्ट कर देता है। सो तब हिज फ्लेम्स, तब उस प्रेमी की ज्वालाएं, प्रेम की अग्नियां, उसकी उत्तेजनाएं मस्ट वेस्ट अवे, वे भी क्या होती हैं, समय के साथ साथ नष्ट हो जाती हैं। पहले इस 6 पंक्तियों में कवि ने एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताया कि एक प्रेमी एक प्रेमिका को बहुत पसंद करता है, उसकी गुलाबी गालों को देख करके खूब भाव विभोर हो जाता है, ओंठों को देख करके उसकी खूब प्रशंसा करता है और तारे जैसी आँखों को देख कर उसको खोजता रहता है। और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, उसकी प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए वह दर दर भटकता रहता है, रातों दिन अजीब गरीब अच्छे अच्छे सपने पिरोए रखता है, सपने देखता है, उसको खोजता रहता है। लेकिन क्या होता है, जब बुढ़ापे का समय आ जाता है, जब बुढ़ापा उसकी प्रेम का अर्थात बुढ़ापे का समय उसकी प्रेमिका के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, तब उसकी ज्वालाएं, तब उसकी प्रेम की अग्नियां, उसके अंदर उठने वाली वो प्रशंसा, वो खुशी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन अगला स्टेंजा क्या कहता है, बट लेकिन आई स्मूथ, लेकिन एक सा रहने वाला बट आई स्मूथ, लेकिन एक सा रहने वाला, एंड और स्टीडफास्ट माइंड और दृढ़ मस्तिष्क, एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटिल थाट्स सुंदर विचार, एंड काम डिजायर्स और शांति इच्छाएं, हार्ट्स मन हृदय विद इक्वल लव समान प्यार से जुड़े हुए, इक्वल लव कंबाइंड समान प्यार से जुड़े हुए हृदय, कैंडल उत्पन्न करते हैं नेवर नहीं कभी नहीं डाइंग फायर्स, कभी न बुझने वाली प्रेम की अग्नि को जन्म देते हैं, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये गुण नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स ऐसे प्यारे गालों को, आर लिप्स ऐसे ऊँटों को, आर आज ऐसी आँखों को। यहाँ फिर से देख लो, बट लेकिन इसमें कभी कहता है एक प्रेमी जो एक सा रहता है, दृढ़ रहता है, सुंदर विचार हैं, शांति इच्छाएं हैं, समान प्यार से जुड़े होते हैं, वे कभी ना बुझने वाली ये नहीं, उसका अर्थात प्रेमिका का सौंदर्य समाप्त हो गया तो प्रेमी छोड़ दे उसको, बुढ़ापे में छोड़ के भाग जाए, अर्थात ऐसा इंसान नहीं छोड़ता, वह उसके शारीरिक सौंदर्य से प्रेम नहीं करता है, उसके आत्मिक सौंदर्य को प्रेम करता है। फिर से देख लीजिए, बट आ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला ऐसा प्रेमी जो एक सा रहता है, एंड दृढ़ उसका दृढ़ मस्तिष्क है, जेंटिल थॉट्स उसके संभ्रांत विचार हैं, सुंदर विचार हैं उस प्रेमी के, सुंदर विचार हैं, एंड काम डिजायर्स उस प्रेमी में शांति इच्छाएं हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड और समान प्यार से जुड़े हुए उसके हृदय हैं, प्रेमी और प्रेमिका के हृदय समान प्यार से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो उनमें कभी ना मरने वाली, कभी ना मिटने वाली, ना कभी बुझने वाली प्रेम की अग्नि उत्पन्न होती है। वेयर दीज आर नॉट, जिन स्त्रियों में, जिन दो प्रेमी युगलों में, प्रेमी और प्रेमिका में, कहता है वेयर दीज आर नॉट, जिन दो प्रेमियों में ये गुण नहीं है, जिन दो प्रेमियों में ये गुण नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स ऐसे सुंदर सुंदर गालों को, आर लिप्स ऐसे ऊँटों को, आर आज ऐसी आँखों को, मैं बारंबार घृणा करता हूँ। पुनः एक बार फिर से देखिए बेटा जल्दी से, ही दैट लव्स आर रोजी चीक, इन पहली 6 पंक्तियों में प्रेमी और प्रेमिका के बीच ये बताया गया कि प्रेमी अपनी प्रेमिका की सुंदर सुंदर गालों को देख करके, उसके सुंदर ओंठों को देख करके, उसकी अच्छी आँखों को देख करके ही प्रेम करता है, लेकिन जब बुढ़ापे का समय आता है तो वह अपनी प्रेमिका को उतना अच्छा महसूस नहीं करता जितना अच्छा वह जब जवान था वो पसंद किया करता था। इसमें बताया गया है कि एक प्रेमी जो एक सा रहता है, अपने मन में दृढ़ता रखता है, सच्चे अच्छे विचार हैं, समान प्यार से जुड़े हुए हैं, उनमें कभी ना मरने वाली प्रेम की अग्नि पैदा होती है। ठीक है, ये बताया गया है। फिर से देखो,
ही दैट लव सरोजी जी, वह जो एक गुलाबी गालों को प्रेम करता है, आर आ कोरल लिप एडमायर्स, या एक मूंगे के समान ओंठों की प्रसन्नता करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या तारे जैसी आँखों को डोत सीख खोजता फिरता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपनी प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जब बुढ़ापे का समय इन स्त्रियों के इन प्रेमिकाओं के सारे सौंदर्य को नष्ट कर देता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट वे, तब उस प्रेमी की ज्वालाएं प्रेम की अग्नियां क्या होती हैं, समय के साथ साथ नष्ट हो जाती हैं। बट लेकिन आई स्मूथ, लेकिन ये सा रहने वाला एंड स्टिक फास्ट माइंड, और दृढ़ मस्तिष्क वाला, जेंटिल थार सुंदर विचारों वाला, एंड काम डिजायर शांति इच्छाओं वाला, हर्ट्स विद इक्वल लव कम्बाइंड, समान प्यार से जुड़ा हुआ हृदय अर्थात समान प्यार से जुड़े हुए दो हृदय, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना मरने वाली प्रेम की अग्नि को जन्म देते हैं, वियर दीज आर नॉट, दुनिया के जिन दो प्रेमियों में ये गुण नहीं हैं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स ऐसे सुंदर गालों को, आर लिप्स ऐसे होंठों को, आर आइज ऐसी आँखों को, मैं बारंबार घृणा करता हूँ। बेटा, इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने का प्रयास करना और इसको सीखने का प्रयास करना। मुझे विश्वास है कि यह आप लोगों को एक या दो बार में आपको आ ही जाएगी। ठीक है, यदि वीडियो ये बेटा पसंद आया हो, थोड़ा बहुत समझ में आया हो, आपको थोड़ा अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि अगले वीडियो मैं बनाऊंगा वो भी उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो, आपका संपूर्ण समय मंगलमय हो।